नमस्कार, मैं कुमार श्याम। आज मैं कलीम आजीज का एक शेर अर्ज करना चाहूँगा। दामन पर कोई छींट न, खंदर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो। इस शेर की क्या प्रासंगिकता है, ये वीडियो आप पूरा देखते रहिए। जब अगर आपको समझ में आ गया तो समझिएगा कि आप अकलमंद हैं, नहीं तो देखिएगा कि आप अन्य आशय भी लगा सकते हैं। सीबीआई में एक बार फिर से उठापटक मच चुकी है, या यूं कहें कि हो गई है। 8 जनवरी 2019 को सीबीआई के निदेशक आलोक वर्मा को उनके अधिकारों से मुक्त करके छुट्टी पर भेज दिया गया था केंद्र सरकार द्वारा। केंद्र सरकार के उस निर्णय को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनको एक बार फिर पद पर पुनर्बहाल कर दिया था, और ये भी कहा था कि वो नीतिगत फैसले नहीं ले सकते। और वो जो चयन समिति थी 3 सदस्यों की, उस चयन समिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रंजन गोगोई, उन्होंने अपने प्रतिनिधि के रूप में सीकरी को भेज दिया था, और उसके अलावा नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे थे। उनको टाइम दिया गया था 1 हफ्ते का कि इस पर फैसला ले, और इसके सिर्फ एक दिन के बाद 10 जनवरी को नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने फैसला किया। आलोक वर्मा को निलंबित कर दिया गया, बहुमत से 2-1 का बहुमत दिया गया था, और नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे थे, उन्होंने इसका विरोध किया था। प्रश्न ये है कि इतनी जल्दबाजी में आलोक वर्मा को उनके पद से हटाया क्यों गया। इसके बाद में वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि ये जल्दबाजी थी, आलोक वर्मा को अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया गया, उनको आमंत्रित नहीं किया गया, और ये नरेंद्र मोदी ने या सरकार ने यह जल्दबाजी में निर्णय इसलिए किया क्योंकि आलोक वर्मा राफेल डील में कथित जो घोटाला हुआ है उसकी जांच करने वाले थे, या फिर उसकी जांच का आदेश देने वाले थे। इसके अलावा भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी आरोप लगाए कि आलोक वर्मा को बात रखने का अधिकार क्यों नहीं दिया गया, क्यों अवसर नहीं दिया गया, यह एक तरह से अलोकतांत्रिक निर्णय था। 1 हफ्ते का समय था, आप आराम से निर्णय ले सकते थे, आप आलोक वर्मा की भी राय पूछ सकते थे, उनका स्पष्टीकरण जान सकते थे कि सीबीएसई की जो रिपोर्ट थी उस पर उनका क्या कहना था। और जबकि ये भी कहा जा रहा है कि जो सीबीएसई की रिपोर्ट है उसमें जो आरोप है आलोक वर्मा पर वो लगाए गए हैं राकेश अस्थाना के द्वारा, और उन्हीं के आधार पर उनको हटा दिया गया है। इसके बाद में बहस जोरों पर है, हर कोई अपनी राय जाहिर कर रहा है, लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न उठते हैं इस निर्णय के बाद में। प्रश्न ये है कि राकेश अस्थाना के आरोपों के आधार पर ही उनको क्यों हटाया जाना जरूरी था? क्या राकेश अस्थाना के आरोप इतने शक्तिशाली हैं? क्या सीबीसी की रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देने का आलोक वर्मा को कोई अधिकार नहीं है? सीबीसी ने जो रिपोर्ट तैयार की है उसको अंतिम सत्य मानना कहां तक उचित है, क्योंकि सीबीसी खुद आरोपों पर घिरी हुई है, उस पर अनेक एलिगेशन लगे हैं भ्रष्टाचार के। तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, प्रशांत भूषण ने और राहुल गांधी ने तो राफेल डील से जोड़ के देखा है कि प्रधानमंत्री प्रधान सेवक डर गए हैं, इतने गहरे तक डर गए हैं कि वो कैसे भी करके आनंद फानंद में जिन पदों से उनको खतरा हो सकता है, जिन लोगों से उनको खतरा हो सकता है, उनको तत्काल हटाया जा रहा है, चाहे वो सीबीआई हो चाहे वो अन्य कोई पद हो, जिस प्रकार आरबीआई में भी पीछे घटनाक्रम हुआ ये कहा जा सकता है। और एक और ध्यान रखने वाली बात है कि उनको निलंबित किया गया है, न कि बर्खास्त किया गया है। आप मार्कंडे कार्टजो को जानते हैं, पूर्व न्यायाधीश हैं, उन्होंने फेसबुक पोस्ट से दावा किया कि उन्होंने सीकरी से बात की है, और सीकरी की अनुमति से ये बातें लिख रहे हैं। सीकरी ने क्या बात की है, उन्होंने कहा कि उनको निलंबित नहीं किया गया बल्कि बर्खास्त किया गया है, और उनको सीबीआई निदेशक के समान रैंक वाली ही पोस्टों पर स्थानांतरित किया गया है। वो पोस्ट थी अग्निशमन विभाग, नागरिक सुरक्षा, होमगार्ड के निदेशक। ये अलग बात है कि आलोक वर्मा ने उन तमाम पदों से इस्तीफा दे दिया है। यहाँ पर प्रश्न उठता है, जब सीबीआई पद पर भी वो बने थे और इतने संगीन भ्रष्टाचार के आरोप है कथित रूप से, तो उनको एक अन्य पद पर क्यों ले जाया गया, क्यों उनको बर्खास्त करना चाहिए था अगर इतने संगीन आरोप थे? और सीकरी ने यह भी कहा है मार्कंडे कार्डजू के हवाले से कि उन पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप है। तो सामान्य सा प्रश्न है कि अगर इतने संगीन आरोप है उनको बर्खास्त करना चाहिए, उनको उसी समान रैंक की पोस्ट पर क्यों स्थानांतरित किया गया, ये भी समान प्रश्न है और महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद में आपको पता है कि आलोक वर्मा ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे में उन्होंने लिखा कि उन्हें बिल्कुल भी सीबीसी की रिपोर्ट पर स्पष्टीकरण देने का मौका नहीं दिया, उन्होंने प्राकृतिक न्याय का गला घोंटने का आरोप लगाया, और उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी पूरी ईमानदारी से इस संस्था की रक्षा करने की कोशिश की थी। और एक दिलचस्प मोड़ एक और आ गया है कि जो पूर्व न्यायाधीश पटनायक थे, जिनको कहा गया था कि सीबीसी की जो रिपोर्ट है उसकी जांच की जाए, उन्होंने आज इंडियन एक्सप्रेस में अपना बयान जारी किया है। कहा है
कि एक भी आरोप आलोक वर्मा के खिलाफ नहीं था भ्रष्टाचार का, तो उनको कैसे हटा दिया गया। सरकार को कहा गया था कि वो आराम से भी निर्णय ले सकता है, बिना उन्हें सुने, बिना किसी भ्रष्टाचार के आरोप के, कथित रूप से जो कि पटनायक ने कहा है, कैसे हटा दिया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और हमारा प्रश्न ये है कि मोदी सरकार इतनी हड़बड़ाहट में क्यों है, इतनी आनंद फानन में क्यों है, जब पटनायक ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के आरोप थे ही नहीं उस रिपोर्ट में। तो कौन से ये संगीन आरोप थे जो कि सीकरी ने कहा है, जिनके चलते उनको हटाया गया। और जब इतने संगीन आरोप थे, उनको निदेशक पद से हटाकर उन्होंने अन्य विभागों के निदेशक पद क्यों सौंपे गए, उनको बर्खास्त करना चाहिए था। ये जो विरोधाभास है सरकार का, ये अनेक प्रश्न खड़ा करता है। और इसके पक्ष में सरकार के बचाव में अनेक भक्तगण पत्रकार कूद पड़े हैं, दंगाई पत्रकार कूद पड़े हैं। वो ये कह रहे हैं कि संगीन आरोप लगे हैं। तो जब पटनायक, जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नियुक्त किए गए थे, उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार के आरोप है ही नहीं, ये जरूर सरकार की मंशा पर शक प्रकट करता है कि वो कहीं ना कहीं राफेल डील की जांच को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको बता दूं कि आलोक वर्मा की बेच पर 7 ऐसे मामले थे महत्वपूर्ण, जो कि बड़ी बड़ी मछलियों को फंसाने वाले थे। तो इस वीडियो में आपने महत्वपूर्ण बात ये जानी कि किस प्रकार से विरोधाभास है सरकार के द्वारा, ये आपके सामने प्रस्तुत है। आप मुझे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप मेरी वेबसाइट पर जाकर मुझे समर्थन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। मिलेंगे ऐसे एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में, तब तक के लिए धन्यवाद।